स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समुद्र जिसमें गहराई है, जिसमें विशालता है, एक व्यक्ति अपने अध्ययन से और अपने अनुभव से उस विशालता को और उस गहराई को प्राप्त कर सकता है। आज जिस व्यक्तित्व से हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि वह अपने आप में एक संस्था है। आपकी उपलब्धियों के बारे में चंद मिनटों में बताना असंभव है। आपके अध्ययन से, आपके अनुभव से आपने वो गंभीरता, वो गहराई और वो विशालता प्राप्त करी है। तो आइए चलिए उस समुद्र में गोते लगाते हैं और बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं परम आदरणीय डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया। मेरे लिए आनंद का विषय है, सदुपयोग है मेरे समय का। धन्यवाद सर। हमने यह जो जीवन लिया है, इसमें खाना खाना, पैसे कमाना और दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या यह मात्र एक सहयोग है या यह कोई स्वर्णिम अवसर है? आपने प्रश्न भी किया और प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न में ही छुपा करके दे दिया। इस विषय पर मैं बात करना शुरू करूं, उसके पहले मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूं। वासुदेव सुतम दैवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। माननीय विजय सोनी जी को, आपको कपिल जी को, सोलंकी जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कृष्ण जी की वंदना इस नाते आवश्यक थी क्योंकि जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसमें न कोई ओरिजिनेलिटी है, न कोई क्रिएटिविटी है। ये भगवत गीता में उल्लिखित बातें हैं जिसमें मात्र शब्द ही मेरे हैं और कुछ नहीं है। आठवें अध्याय में जो आपका प्रश्न था, ये संयोग है या ये नियति है? एक प्रश्न आया है कि मरने के बाद क्या साथ जाएगा और आपको अगला कलेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि आपके अंतिम विचार आपके अगले कलेवर का निर्धारण करते हैं, आपका शरीर कैसा होगा। दो बातें उस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। एक तो अर्जुन को जब वो युद्ध के लिए कहते हैं, क्रम बताते हैं, माम स्मर्य युद्धच, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। ऐसा नहीं कहते हैं कि युद्ध करो और मेरा स्मरण भी करो। स्पष्ट है प्राथमिकता स्मरण करने की है। कारण क्या है? परम गुरु स्पष्ट करते हैं ये शरीर पात किसी भी समय हो सकता है और चूंकि आपके अंतिम विचार ही ये तय करेंगे या आपका अगला कलेवर क्या होगा, इस नाते सदा ही ईश्वरीय विचारों में रहिए। तत्काल होता नहीं है। जो तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही पावत नाही। ये अभ्यास जरूरी है। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आपके साथ क्या जाएगा, आपकी इंद्रियां जाएंगी। ध्यान रखिए, ये जो कर्म इंद्रियां हैं जो दिखाई देती हैं, हाथ पांव इत्यादि, ये इंद्रियों की कुर्सियां हैं, इंद्रियां नहीं हैं। इंद्रियां तो आपके दूसरे शरीर में निवास करती हैं, ये इंद्रियों की कुर्सियां हैं। अब हमारी मर्जी हम अपनी कुर्सी पर बैठ के काम करें या हमारी मर्जी हम खड़े खड़े काम करें,
जो फिर तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये आपके साथ जाने वाला है, और जब ये आपके साथ जाने वाला है, आपका मन जाएगा, आपकी बुद्धि जाएगी, आपका चित्त जाएगा, तो अगली यात्रा में ये यात्रा ठीक से चले, इस नाते इनको बढ़िया फर्स्ट क्लास अपने को तैयार रखना चाहिए। आपके सवाल का जो दूसरा अंश है, उसमें अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था कि आप जो कह रहे हैं अगर वो सब मैं करना शुरू करूं, और प्रक्रिया के दौरान ही सिद्धि तक पहुंचने के पहले ही शरीर पात हो जाए, तब तो न मैं इधर का रहा न उधर का रहा, न तो सिद्धि मिली और न सांसारिक भोगों को मैं भोग सका। कृष्ण कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, जो कुछ तुमने कैरी प्राप्त कर लिया है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। पांचवी पास कर लिए हो तो अब चौथी या पांचवी में नहीं आओगे, अब छठी में जाओगे, और छठी की पढ़ाई करने के लिए तुमको बढ़िया परिस्थितियां मिलेंगी। शुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टाद भी जायते। सार रूप में आप आए हैं प्रयोजन के कारण, आप आए हैं कर्मों के ऋणानुबंध के नाते। यदि हमारे कोई कर्म न होते अच्छे और खराब, तो ये शरीर न मिलता, तब तो शायद अवतार होता, कि जो अवतार होता है वो प्रयोजन के लिए इच्छा अनुसार होता है, और उसका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता। वो सब नाटक होता है कि यशोदा जी गर्भवती हुई और देवकी गर्भवती हुई, वो तो बिल्कुल प्रकट होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो ये सब नाटक माँ गर्भवती हुई और प्रसव हुआ, ये सब होता रहता है। हमारे कुछ शुभ और कुछ अशुभ कर्म थे, और कुछ हमारे अंतिम विचार भी थे, श्रेष्ठ रहे होंगे, तो हमें मनुष्य की योनि मिली है। तो अब इस योनि का जो आपके सवाल का तीसरा अंश है, प्रयोजन पहला तो यह है कि अपने अस्तित्व को जाने, और जब आपने अस्तित्व को जान लिया तो अस्तित्व का प्रयोजन भी आपको पूरी तौर पर ज्ञात हो जाता है। अज्ञानी की तरह से नहीं, ज्ञानी की तरह से हम संसार के कार्य व्यापार करेंगे, पर अपने अस्तित्व को जानना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। दूसरा उससे जुटा हुआ उद्देश्य यह है कि जो उद्देश्य आपने जान लिया है उस उद्देश्य को आप प्राप्त करिए। सर, ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो फिर यहाँ पर कर्म की बात कैसे आती है? बड़ा खतरनाक बड़ा खतरनाक तर्क है ये, और हमारे ख्याल से अध्यात्म और धर्म में जितने तर्कों का भीषण दुरुपयोग हुआ है उसमें से एक ये भी है, सब भगवान करता है। एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। एक राजा से गाय मारी गई, वे शिकार करने गए थे। अब शिकार में धर्मशास्त्र के अनुसार कुछ पशु अवध्य हैं, गाय उसमें सर्वोपरि है। अब जब जो है गाय मार दिया राजा ने, तो लोगों ने कहा आप हत्या गोहत्या के दोषी हैं, इतना यज्ञ करिए, इतना अनुष्ठान करिए, इतने दिन भूमि पर सोइए, इतना दान करिए। राजा इसी तरह का प्रयोग करता है, मारने वाला मैं कौन हूँ, जिंदा रहने वाला मैं कौन हूँ, रखने वाला मैं, वो तो ईश्वर करता है, तो ईश्वर ने गाय मारी। उसे समझाने के लिए एक दिन एक महापुरुष उसके राज्य में आते हैं। वो कहते हैं राजा साहब, मैंने सुना है कि आपका नगर बड़ा श्रेष्ठ है। तो राजा बड़ा अच्छी प्लानिंग है और सब कुछ। तो राजा कहते हैं हाँ चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं रथ चला रहे हैं, देखिए ये सड़कें मैंने बनवाई, ये उपवन मैंने लगवाए, ये वाटिका मैंने तैयार कराई, ये अट्टालिकाएँ मैंने बनवाई। शाम तक ये मैं करते रहे। शाम को साधु कहता है तो ये सब आपने किया और गाय मैंने मारी, सब आपने किया और गाय मैंने मारी। ये है कि जब तक पूरी तौर पे आप इस भाव में स्थापित न हो जाएं कि आप निमित्त मात्र हैं, जो अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिनो। यदि आप उस भाव में स्थापित हो गए हैं तो आपके कोई कर्म नहीं है, आपका कोई कर्म बंधन नहीं है। और जब तक इस भाव में स्थापित नहीं हुए हैं, करता तो ये सच है कि सब कुछ ईश्वर है, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो श्रेय हम खुद लेते हैं, कुछ बिगड़ जाता है तो उसका श्रेय हम परमात्मा को दे देते हैं। मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस तर्क का प्रयोग करने का अधिकार उसी को है जिसके मन में ये बात बैठ चुकी है, जिसने समझ लिया है, जो इसको जी रहा है कि मैं निमित्त मात्र हूँ, और वो देख रहा है जो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुणान गुणानि वर्तन्ते, ये तो प्रकृति सब कर रही है, तब वो अपने को साक्षी भाव से देख रहा है। जब तक ये स्थिति हमारी नहीं है तब तक हमें इस तर्क को प्रयोग में लाने का अधिकार नहीं है। सर, आध्यात्मिकता आपके लिए क्या है और इसकी भूमिका हमारे जीवन में क्या है, और आज के परिवेश में, थोड़ा सा लंबा प्रश्न में, कोई कोई नहीं, और आज के परिवेश में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है? अर्जुन का सवाल ये है, किम कर्म किम अध्यात्म किम दैव पुरुषोत्तम, शायद क्रम थोड़ा उलट गया होगा, तो नॉट टू बी कोटेड विदाउट वेरिफिकेशन। अब वहाँ पे श्री कृष्ण ने ये बात बताई है अनुभव को कि अध्यात्म क्या है। सार रूप में आप ये जान लें कि हमसे बाहर कोई सत्ता है जो हमारा मार्गदर्शन करती है और जो हमें सही पर चलने की प्रेरणा देती है। एक बार समझाया, दो बार समझाया, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं, तो वो सत्ता फिर आपको समझाने का कार्य बंद कर देती है। तो अध्यात्म है उस सत्ता को मानना जो है और उसके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना। कभी कभी ये होता है कि हमें उस सत्ता का बोध रहता है, कुछ अनुभव भी मिला रहता है, लेकिन दुख इस बात का है कि उस मार्ग पर चलने का साहस हम नहीं जुटा पाते हैं। जैसे दुर्योधन भी महाभारत में कहता है, भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बार उसने अपना हृदय खोला और कहा, जानामि धर्मः नचमे प्रवृत्तिः, धर्म मैं जानता हूँ पर उसका मैं आचरण कर सकूँ ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम नचमे निवृत्तिः, अधर्म भी मैं जानता हूँ पर मैं उससे अपने को दूर कर लूँ ये भी मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। और श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि आप मेरे हृदय में बैठ जाओ और मुझे सदमार्ग पर ले चलो, लेकिन वो बिल्कुल क्षणिक था। दूसरे ही क्षण कहता है, सूची अग्निदातामी बिना युद्धम न केशव, बिना लड़े मैं इनका वाजिब हक नहीं दूंगा। वाजिब हक की तो बात छोड़ो, सुई के नोक के बराबर भी मैं इनको भूमि देने को तैयार नहीं हूँ। वो शक्ति है मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन आपने माना, बहुत अच्छी बात है, मार्ग प्रशस्त होता चलता है। और भगवान का किसी से द्रोह नहीं है, दुर्योधन से भी उसका द्रोह नहीं, उनका द्रोह नहीं है, वो भी उसकी मुक्ति चाहते हैं, उसकी अच्छी स्थिति चाहते हैं। लेकिन जब आप संस्कारों और कर्मों के नाते एक कहीं जगह डटे हुए हैं तो आप अपने अनुसार अपने समय पर वो बात समझेंगे, पर अंतिम गंतव्य तो सबका, समस्त मनुष्य जाति का वही है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। जी, जी। सर, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ और बात करता हूँ, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय की, जब हम यदि बात करें तो उस समय में साधनों की उपलब्धता और आज जो साधनों की उपलब्धता है उसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत विषम परिस्थितियों में आपने जो कुछ करा है, बहुत विषम परिस्थितियों में वो प्राप्त करा है। आज के उस साधन की उपलब्धताओं में आप युवाओं के लिए क्या मार्गदर्शन दें? देखिए, ये आपने बड़ा मुझे भावुक करने वाला प्रश्न पूछा। जहाँ तक साधनों की उपलब्धता का सवाल है, मेरी स्थिति तो बड़ी विपन्नता की थी, और ये सही है कि उस विपन्नता की परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही मैं कुछ अर्जित कर सका, विद्या प्राप्त कर सका, महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सका।
एक और खराब बात ये थी कि मैं उस विपन्न परिस्थिति में पैदा नहीं हुआ था। वो सब परिस्थितियाँ ऐसी प्रतिकूल होती चली गईं कि हमारी जमींदारी ख़त्म हो गई, हमारी पैतृक संपत्ति समाप्त हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। तो मुझे ट्यूशन पढ़ा करके, प्रेस में काम करके, इस तरह से मुझे अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी। आज साधन बहुत पर्याप्त हैं। अदने से अदने विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन है, और कहीं तो व्यवस्था ने परपेचुएट कर दिया है कि अब पढ़ने के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए। एक फ़ोन में ही सारी किताबें छुपी हुई हैं। लेकिन इन साधनों के हो जाने के कारण उसकी जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं वो कम होती जा रही हैं। आप मेरा अपना उदाहरण लें, पहले सैकड़ों टेलीफोन नंबर याद रहते थे, आज अपने घर के लोगों का भी टेलीफोन नंबर याद नहीं है। आपके पास भी अगर एक से ज़्यादा टेलीफोन है तो शायद एकाध जो पॉपुलर नंबर है वही याद होगा। तो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ कम हुई हैं, हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ भी कम हुई हैं। युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साधन संपन्नता का भाग्यशाली है वो, हमारी जनरेशन उतनी भाग्यशाली नहीं थी। इन्हें दुनिया की हर चीज़ मालूम है, हमें नहीं मालूम होती थी। तो इस साधन संपन्नता का वो लाभ लें, लेकिन अपने शरीर और मन की शक्तियों को भी लगातार बढ़ाते रहें। कंप्यूटर खराब, कैलकुलेटर खराब, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब गणनाएं नहीं होंगी। गणनाएं होंगी, तो अपने शरीर और मन को भी, जो ऋग्वेद का उपदेश है, बलिष्ठो दलिष्ठा, शरीर से मजबूत रहो और दिमाग से, मन से भी मजबूत रहो। ये सब सहायक हैं, पर ये जो सहायक हैं दुर्भाग्य से आज ये स्वामी बन गए हैं, स्वामी बन गए हैं। अगर समय इजाज़त देता हो तो एक मैं और प्रसंग आपको सुनाऊंगा। प्राचीन भारत में गुरु हर प्रकार का ज्ञान विद्यार्थी को देने के बाद जब उसकी परीक्षा लेता था तो पूरा पैरा फर्नेलिया वापस ले लेता था कि अब आपको अपने शरीर और मन की शक्तियों के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। क्योंकि मन और शरीर की शक्तियां तो कोई छीन नहीं सकता है, बाकी जो आपके बाह्य संसाधन हैं वो छीने जा सकते हैं। अब वो गोल क्या है कि भैया हमें तो शिव जी की पूजा करनी है, 2.5 करोड़ नीले कमल का फूल चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे, वो इंद्र की वाटिका में ही है। तो जाओ इंद्र से युद्ध करो, समझाओ, ये 2.5 करोड़ जो है कमल के फूलों का, नीले कमल के फूलों का इंतजाम करो। और गुरु मतलब जो ये गुरुदक्षिणा थी, एक प्रकार की एक परीक्षा थी। एक दो स्थानों पे गुरु स्खलित हुआ है इस पद्धति से, वो द्रोणाचार्य का उदाहरण है, जिन्होंने गुरुदक्षिणा अपने स्वार्थ के लिए मांगी। अन्यथा गुरुदक्षिणा के द्वारा गुरु एक प्रकार से परीक्षा लेता था कि अपनी मात्र बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं के द्वारा ये उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है या नहीं। एक वाक्य में, साधनों का खूब उपयोग करिए, स्वामी की तरह से, नौकर की तरह से नहीं, और अपने शरीर और मन की शक्तियों को किसी भी कीमत पर शिथिल न होने दें। सर, यदि इन उपलब्धताओं का श्रेय एक क्वालिटी को देना चाहें आप, तो किस क्वालिटी को देंगे? मैंने बहुत विचार किया, सबसे ऊपर तो परमात्मा की कृपा, दूसरे स्थान पे माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं, तीसरे स्थान पे मेरी कोशिशें, यही क्रम है, यही क्रम है। सर, आजकल के माहौल में, आधुनिकता में बहुत सारे एडिक्शन भी चल रहे हैं। कुछ लोग चाहते भी हैं कि उस एडिक्शन से दूर हो जाए, पर परिस्थितियाँ ऐसी है या उनकी कंपनी ऐसी है कि वो एडिक्शन में ही लिप्त रहते हैं। यदि उस एडिक्शन से दूर होना है, हमें डी एडिक्शन की तरफ जाना है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये फेल्योर युवा पीढ़ी का नहीं है, ये हमारा फेल्योर है। हमसे एक बार ये सवाल, एक डिसिप्लिन के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति बनी थी, उसमें ये था कि कैंपसेस में इनडिसिप्लिन फैल रही है तो कौन जिम्मेदार है। तो हमने वहाँ एक तर्क रखा था कि पूरे भारतवर्ष से एक ईमानदार, निष्ठावान, चरित्रवान शिक्षक का आप बताइए जिससे विद्यार्थियों ने कभी भी दुर्व्यवहार किया हो, है नहीं। तो ये हमारी जनरेशन है जो असफल हुई है। हमने अपने नई जनरेशन में, जिसमें शिक्षक शामिल हैं, माता पिता शामिल हैं, उन्होंने सब कुछ देना मुनासिब समझा,
पर उचित मार्गदर्शन और समय देना मुनासिब नहीं समझा, उसका दुष्परिणाम है। तो उसको दोस्त अपनी माँ में नहीं मिल रहा है, अपने पिता में नहीं मिल रहा है, अपने भाई में भी नहीं मिल रहा है, उसको अपना दोस्त ड्रग में और ड्रगिस्ट में मिल रहा है, तो वहीं बार बार जा रहा है। लेकिन आज भी मेरा विश्वास है कि इसका रिवर्सल संभव है, इसको बदला जा सकता है। अब यदि हम लोगों ने जैसे जिस प्रकार का प्रयत्न आप कर रहे हैं, आप ये देखें कि इंदौर में कितने शिक्षक, कितने संस्थाएं, कितने समाजसेवी इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमने कंसर्टेड एफर्ट न किया, देखिए हम तो अब ठीक है, जिसको चौथापन कहते हैं वो आ चुका है, 10 वर्ष बाद आ जाएगा जब मैं 75 वर्ष का हो जाऊंगा। हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं की है, आज से ही उस रिवर्सल की प्रोसेस को करना होगा। धन कमाओ, बहुत अच्छी बात है, कमाओ, अपने बाल बच्चों को धन के साथ, बल्कि वो संस्कार पहले देने की बात सोचो, धन बाद में दे देना। जो बिहारी कहते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, नालायक को कमा के दे दिया सब बर्बाद कर देगा, लायक को कुछ नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कमा लेगा। इन्वेस्ट इन यूथ, स्पेयर टाइम फॉर देम, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सर अब थोड़ा भगवान कृष्ण से हम राम, भगवान श्री राम की ओर जाते हैं, और आपने एक पुस्तक भी लिखी है भगवान श्री राम के, यदि उसके आप अंश, इम्पॉर्टेंट अंश, वैसे तो पूरी बुक इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ इम्पॉर्टेंट अंश यदि आप बताना चाहें तो। देखिए राम कथा से मैं लेना चाहूँगा, जब उनकी विभीषण से बात हुई है युद्ध के पहले, इसको मैं विजय के शाश्वत सूत्र कहता हूँ। उसमें विभीषण कहता है, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। युद्ध शुरू होने वाला है, निर्णायक लड़ाई राम और रावण की। विभीषण देखता है कि तो बहुत गैर बराबरी का मुकाबला है, इनके पास तो हेलमेट भी नहीं है, लेग प्रोटेक्टर नहीं है, आर्म प्रोटेक्टर नहीं, जूता तक नहीं है, नाथन रथ नहीं तन प्रद ताना, रथ भी नहीं है। और फिर पूछता है कि इस बलवान शत्रु को आप कैसे जीतेंगे जिसके पास हर कुछ है। भगवान श्री राम के पास कई उत्तर थे, कह सकते थे कि दंडकारण्य में भ्रमण करते समय अनेक ऋषि मुनियों ने मुझे बड़े घातक हथियार दिए हैं, रावण के पास उसका काट नहीं है, आज मैं उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। कह सकते थे जैसे मैंने जंगल में अनेक राक्षसों को मारा है, बिना फर के तीर के मारीच को 500 योजन दूर भेज दिया, खरदूषण और त्रिशिरा को मारा है, ये रावण से कम नहीं थे, वैसे ही मैं आज इसको भी मारने जा रहा हूँ। ये सब उत्तर भगवान श्री राम नहीं देते, कहते हैं विभीषण को, जहि जय होई सो स्यंदन आना, जो विजय दिलाने वाला रथ है वो ऐसा नहीं होता जैसा रावण का दिख रहा है, वो दूसरे प्रकार का होता है, उसका वर्णन वो करते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताखा, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, आदि आदि। और कहते हैं भगवान श्री राम इस बात को पूरी करते हुए कि मेरे प्रिय मित्र विभीषण, जिसके पास ऐसा रथ है उसको संसार के किसी भी युद्ध के मैदान में रावण क्या कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धीरज धैर्य उस रथ के पहिए हैं। अब देखिए शब्दों का चयन महाकवि तुलसीदास जी का, दोनों चाहिए युद्ध के मैदान में, आपको धैर्य चाहिए, आपको शौर्य चाहिए, शौर्य आपको आगे बढ़ाएगा, धैर्य आपको विवेकपूर्ण निर्णय करने की शक्ति देगा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताखा। अब ये दो शब्द हैं, पता नहीं हमारे हिंदी के प्रोफेसर इसको ठीक से बताते हैं कि नहीं, ध्वजा जो है वो मेटालिक होती है, रथ के अगले हिस्से पे लगती है, छोटी होती है, हिलती डुलती नहीं है वो,
सत्य है वो ध्वजा है, ध्वज है जिसको हिलना डुलना नहीं है, अचल है सत्यम। और पताखा लंबे डंडे पे लगती है, रथ के पिछले हिस्से पे वो हिलती पताखा फहराई जाती है, और उनका जो शील है वो पताखा है जो समय अनुकूल है। आज हम जिसको शील का व्यवहार कहते हैं कल वो नहीं रहेगा। आज किसी को मारना शील है, कल क्षमा करना शील है, ये परिस्थिति जन्य है। बल विवेक दम पर ही तो घोड़े, उसमें घोड़े कौन से हैं, बल के साथ विवेक, इंद्रिय दमन, दूसरों का उपकार, ये उसमें चार घोड़े लगे हुए हैं और जिससे वो कनेक्टेड हैं, बंधे हुए हैं। क्षमा कृपा समता, माफ कर दो, दया का भाव रखो, बराबरी से लोगों को ट्रीट करो, इस प्रकार के रस्सियों से वो एक दूसरे से जुटे हुए हैं, आदि आदि आदि। तो आपके अंदर की शक्ति आपके बाहर के पैराफर्नेलिया से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप भारतवर्ष का, दुनिया का इतिहास देखिए, अत्यंत दीनहीन दशाओं में पैदा हुए लोग उद्योग में, व्यापार में, प्रशासन में शीर्ष पर पहुंचे। अब बड़े बड़े परिवारों में पैदा हुए लोग बर्बाद हो गए, ठीक है। तो आंतरिक गुण, आंतरिक शक्तियाँ वाय पैराफर्नेलिया की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा आज उन आंतरिक, जो काम में लगातार औपचारिक रूप से 40 वर्ष तक करता रहा, आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का कोई उपाय नहीं बताती है। सर, गरुड़ पुराण की मैं कुछ बात करना चाहूँगा। हाँ। और मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा कि एक बार मुझे भी ये सुनने का मौका मिला तो मैंने उस समय ये सोचा कि ये मृत्यु उपरांत परिवार को सुनाई जाती है, और उसको सुन के मैं थोड़ा सा भय हुआ मुझे, मैं चला गया वहाँ से। तो ये शिक्षा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो व्यक्ति को सही और गलत में निर्णय करने में मदद कर सकता है, मुझे ऐसा लगा। जितना एक तो पहले क्यों नहीं उसको बताते हैं, उसको बाद में क्यों बताते हैं? ऐसा है, वो वेदव्यास जी ने रचा है, और वेदव्यास जी ने जो कुछ कहा उसमें प्रक्षिप्त अंशों का की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो गरुड़ पुराण ओरिजिनल क्या था और आज हम जो उसको प्राप्त किए हैं उसमें प्रक्षिप्त अंश कितना है, ये विचार की बात है। पर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ भी हैं। गरुड़ पुराण से ज़्यादा बड़ी भ्रांति तो महाभारत को लेकर के है कि इसको पढ़ो नहीं, इसको घर में रखो नहीं, जहाँ मतलब ये पढ़ा जाता है वहाँ महाभारत होती है। एक्चुअली अगर महाभारत आप पढ़ेंगे तो महाभारत नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महाभारत करेंगे। आप सोनी जी को मालूम है, मेरे ऊपर लाइब्रेरी में चले जाइए, महाभारत ओरिजिनल 1,10,000-12,000 श्लोकों का हिंदी में, अंग्रेजी में है, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। तो अब ये देखिए, भारतवर्ष के ब्राह्मण वर्ग ने या बौद्धिक वर्ग ने, मैं स्वयं उस वर्ग को बिलोंग करता हूँ, एक तो बड़ा महान कार्य किया कि उस इस उच्च कोटि के ज्ञान का सृजन किया। दूसरा एक बड़ा घटिया काम किया कि इसको लोकव्यापी नहीं बनाने दिया। लोक जैसे उपनिषदों का ज्ञान, ये लोकव्यापी नहीं है, यहाँ तक कि भगवद गीता का ज्ञान भी लोकव्यापी नहीं है। शायद कुछ लोगों के उसमें इंटरेस्ट थे, अब महाभारत के बारे में डरा दिया कि पढ़ो नहीं, जबकि उसकी शुरू में ही वेदव्यास ये कहते हैं कि जहाँ भी ये ग्रंथ रहेगा वहाँ पर सुख शांति रहेगी, श्री रहेगी। और ये लगा कि भैया महाभारत पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैं तो ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ, वहीं गांव में मेरी परवरिश हुई है 16 वर्षों तक, इसके बाद मैं शहर में आया। तो हर गांव के पास में एक बरगद पीपल या ऐसा कोई इमली वगैरह का पेड़ होता है, और हर उस पेड़ में कोई भूत और चुड़ैल निवास करती है, ये हर गांव की कहानी है। अब जब सूर्यास्त हो जाएगा तो ग्रामवासी उस भूत और चुड़ैल के डर के मारे वहाँ जाएंगे नहीं। अब वो अड्डा रात को बन जाता है शराबखोरी का, जुआरी का और चोरों का। गांव वालों को तो भय लगा हुआ है कि वहाँ जाना ही नहीं है, वैसा ही भय इन ग्रंथों के बारे में पैदा किया गया है। बिल्कुल ये शास्त्र सम्मत नहीं है, पढ़िए, मनन करिए और उससे जीवन की राह प्राप्त करिए, ये मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। मेरा अंतिम प्रश्न सर, कि
आपके जीवन में आपको सबसे बेस्ट एडवाइस कौन सी मिली और किसने दी? देखिए, अब आपने चूंकि बेस्ट कहा तो एक सेलेक्ट करना होगा। संयोग से उसमें बहुत बड़ा कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस क्या है, वो भगवद गीता की ही बात है जो कि मेरे गुरु ने मुझसे कही। बात तो कृष्ण जी की है, जो गृहस्थ थे आज़ादी की लड़ाई में, जिन्होंने लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी, और एक प्राइवेट कॉलेज में, मिशन स्कूल में वो अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि नियमित रूप में अपना कर्म करते रहो और किसी चीज़ की तुम्हें परवाह नहीं है, नहीं करनी है, नियमित रूप में अपना कर्म करते रहो और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुमको परमात्मा ले जा रहा है, लेकिन अपने कर्मों से पीछे मत हटो। निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही, वही मेरे सांसारिक और आध्यात्मिक गुरु ने मुझे बताया कि अपना कार्य करते रहो, संभाव रख करके अपना कार्य करते रहो, फल की इच्छा के बिना अपना कार्य करते रहो। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और विचार करता गया कि अगर फल की इच्छा रख के आप काम करेंगे, हो सकता है उससे कुछ फ़ायदा ना हो आपको, लेकिन निराशा अवश्य मिलेगी। बड़ी उम्मीदें पाली हैं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो नहीं मिला तो आप टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। लेकिन जब ये है कि मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, तो आपके उत्साह और कर्म के प्रति जो आपका समर्पण और प्रतिबद्धता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। पर सर, यदि मैं थोड़ा सा और इसमें एडिशन करूं और एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जब हम कर्म की बात करते हैं तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम यदि बचपन से लेके कॉरपोरेट वर्ल्ड तक यदि हम देखें तो हमेशा फल पे हमारा वैल्यूएशन होता है, कर्म पे वैल्यूएशन नहीं। ठीक है, ठीक है, ये समाज का नज़रिया है जी। लेकिन उसी फल को प्राप्त करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? एक छोटा सा, मान लीजिए फल ही आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर सेंचुरी बनाना चाहता है, फल चाहता है वो, एक बार दिमाग में उसने रेजोल्यूशन ले लिया कि 100 रन उसको बनाने हैं, तो क्या करे? अब वो गेम पर कंसंट्रेट करे या स्कोरबोर्ड देखता रहे, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ? अगर वो स्कोरबोर्ड देखता रहेगा तो बिल्कुल उसकी सेंचुरी नहीं बनेगी। सांसारिक या कंप्रोमाइजिंग दृष्टिकोण से एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमें अचीव करना है, अब उसको दिमाग के किसी कोने में डाल दीजिए, अब कर्म और कर्म ही करते चलिए, दिवस के अंत में जो कुछ परमात्मा आपको प्रसाद के रूप में दे रहा है उसे स्वीकार करिए। एक बार सोनी जी चाहे भूल गए होंगे, प्रसाद की अवधारणा पर हमारी इनकी चर्चा हुई थी कि ये तो हमारी संस्कृति का अद्भुत कॉन्सेप्ट है कि जो देने वाले को भी आनंद दे और पाने वाले को भी आनंद दे, वो प्रसाद है। जो कुछ मिला प्रसाद स्वरूप वो हमें स्वीकार्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपना कर्म रोक देंगे। दो स्थितियाँ हो गई, एक तो हम खुशी खुशी अपने काम में लगे हुए हैं, दूसरा दुख से काम में लगे हुए हैं, तीन बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर करें। दूसरा ये है, कोई बात नहीं, इन तीनों अटेम्प्ट्स में हमने कुछ न कुछ सीखा है, अब चौथा अटेम्प्ट हम लेंगे, तो कर्म करते रहिए, फल आ जाए प्रसाद के रूप में अच्छा है, ना आए तो भी कोई शोक की बात नहीं है। तो फल के प्रति उपेक्षा का भाव, ये हमें एक तरह से भावी डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से बचाता है। ये इसको राजविद्या कहते हैं, ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, इसी नाते राजविद्या इसका नाम है, ये महत्वपूर्ण लोगों के लिए है और जो महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं ये उनके लिए है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी कृपा आप तीनों लोगों की, कपिल जी की, सोनी जी की, सोलंकी जी की, और मेरे योग्य जो भी सेवा हो आप निश्चित बताएं, जितनी मेरी क्षमता भगवान ने दी है वो आपके लिए है। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने ये जाना कि अध्ययन और अध्ययन से प्राप्त अनुभव हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सर के इस अध्ययन और अनुभव से आइए हम भी लाभान्वित हो, किन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, आइए उन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर, इस विषय पर हम
जल्द ही मिलते हैं एक अगली पर्सनालिटी से। इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आपने क्या क्या विचार है हमें ज़रूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।